हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव का नेक्स्ट पार्ट, ओवुलेशन। ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या होता है देखिए समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एग सेल फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। ओवरी से एग सेल का जो प्रोडक्शन होता है इसी को हम ओवुलेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का पॉइंट। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ाया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जिसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ाए थे, ओवेरी, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना। चलिए इनके फंक्शंस को कवर करते हैं। जैसे बात करें ओवेरी, ओवेरी का फंक्शन होता है एग सेल को रिलीज करना और साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करना। एग सेल रिलीज होती है, एग सेल रिलीज होने के बाद में इन एग सेल को कैप्चर करने का काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी एग सेल्स को कैप्चर करेगी। जैसे एग सेल यहाँ से निकली और इसने फिम्बरी ने आके इसको कैप किया, तो कैप्चर होने के बाद में फैलोपियन ट्यूब के अंदर एग सेल आ जाती है। और ये फैलोपियन ट्यूब वह प्लेस है, वो स्थान है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात आ जाते हैं यूटेरस। तो यूटेरस क्या है कि फैलोपियन ट्यूब नीचे की तरफ एक बैग लाइक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर में जुड़ी हुई होती है या पियर शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, उसको बोलते थे हम यूटेरस। यूटेरस का क्या काम होगा, जो एग यहाँ फर्टिलाइज हो जाएगा उस फर्टिलाइज एग को यहाँ पे एम्बेडेड करने का, उसको रिसीव करने का काम जो होता है वो यूटेरस का होता है। उसके बाद सर्विक्स, सर्विक्स एक ओपनिंग होती है जो वजाइना में खुलती है, यानी कि यूटेरस को वजाइना में खोलने के लिए जिस ओपनिंग की ज़रूरत होती है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। फिर आता है वजाइना। वजाइना क्या होता है, वजाइना ये स्पर्म्स को कलेक्ट करने का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये तो था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होगा, ये जो एग को रिलीज किया जाता है ओवरी से, इस ओवरी से एग को रिलीज करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। अब करते हैं हम फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म सेल्स, मेल गैमेट स्पर्म सेल विद फीमेल गैमेट एग सेल टू फॉर्म जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से जुड़ जाना और जुड़ने के बाद जायगोट को बना लेना, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह से होता है। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, यदि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मोस्टली मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है। और यदि फर्टिलाइजेशन अकर्स करता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है, तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसमें टोट्स एंड फिश वगैरह जो होती हैं इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं हम रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है एग सेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल है स्पर्म। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स पेनिस इजिकुलेट होगा और यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म्स को रिलीज करेगा। यहाँ पे जो स्पर्म की संख्या होगी मिलियंस में होगी, बहुत सारे स्पर्म्स होंगे। और स्पर्म्स वेजाइना में रिलीज होने के बाद में ये मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करते हैं यूटेरस की तरफ। तो कुछ स्पर्म्स तो रहते हैं ऊपर, चलते चलते उनकी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और इसके अंदर जो टेल है स्पर्म की, ये टेल इसको मूवेबिलिटी प्रोवाइड कराती है जिससे ये मूव होते जाते हैं। तो मूव करते करते ये यूटेरस में ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। तो इनमें से कुछ स्पर्म्स तो ऐसे होते हैं जो बीच में ही नष्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी डाउन हो गई, वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए। और कुछ में से लगभग कुछ ऊपर तक पहुंच गए फैलोपियन ट्यूब तक, और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने वाले स्पर्म में से केवल एक स्पर्म ही ऐसा होगा जो एग सेल के साथ में फ्यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, ये कोई एक स्पर्म आके एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है।
ये एक्सेल के साथ में फ्यूज होके बना लेगा क्या, जायगोट। ये है हमारा जायगोट, जहां पे ये हो गया फीमेल न्यूक्लियस, ये हो गया मेल न्यूक्लियस, फीमेल और मेल न्यूक्लियस मिलके बना लेते हैं जायगोट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 2n होंगे, इसी ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, यहाँ पे भी n होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या। ये दोनों हैप्लोइड होंगे, लेकिन जो जायगोट बनेगा ये डिप्लोइड होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा और मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो।